बड़ी खबर, जहां प्रियंका के नामांकन में खड़गे के अपमान का आरोप और नामांकन के समय खड़गे कमरे से बाहर थे। बीजेपी ने ये स्टेटमेंट दिया है, पूरे गांधी परिवार मौजूद था, खड़गे बाहर थे, दलित समाज के नेता खड़गे का अपमान हुआ है। तो देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की गई और इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, अपने अध्यक्ष के लिए हमारा भरपूर सम्मान, बीजेपी दलितों से नफरत करती है, ये कांग्रेस का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए प्रियंका के नामांकन में खड़गे के अपमान का आरोप बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नामांकन के समय खड़गे कमरे से बाहर थे, पूरी गांधी परिवार मौजूद था और खड़गे बाहर थे, दलित समाज के नेता खड़गे का अपमान हुआ। अब इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि अपने अध्यक्ष के लिए हमारा भरपूर सम्मान है और बीजेपी दलितों से नफरत करती है, कांग्रेस ने ये कहा है। तो बीजेपी दलितों से नफरत करती है, कांग्रेस का ये स्टेटमेंट। बैठी है श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है नाम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे। नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हम अपने अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और असलियत यह है कि अपना प्रचार प्रसार और नामांकन के पहले अगर प्रियंका जी किसी एक व्यक्ति के यहाँ आशीष और मार्गदर्शन लेने गई थी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे।